हाई गाइज वेलकम यू ऑल वंस अगेन सो आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लेक्सड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले और एटमेगा एट की हेल्प से अपने एक डिजिटल स्टॉप वॉच को इंप्लीमेंट करके देखेंगे सो so, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस जो दो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि उन वीडियोस में मैंने सेवन सेगमेंट डिस्प्ले की वर्किंग और इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बात की है सो so, फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग अपने सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों की मल्टीप्लेक्सड सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है और इसमें टोटल आप लोगों को फोर सेवन सेगमेंट्स मिल जाएंगे ठीक है तो इसमें जो हम लोगों की डेटा लाइंस है इन डेटा लाइंस को बेसिकली हम लोग पोर्ट डी से कनेक्ट करने वाले हैं ठीक है यहां पर हम लोगों का जो फर्स्ट टर्मिनल है या फिर आप कह सकते हैं जो ए टर्मिनल है इसको हम लोगों ने पी डी सेवन से कनेक्ट किया है इसके बाद जो हम लोगों की बी टर्मिनल है इसको हम लोगों ने पी डी सिक्स से कनेक्ट किया इसके बाद सी जो है इसको आप लोगों ने पीडी फाइव से कनेक्ट किया एंड सो ऑन जो हम लोगों की डीपी है इसको आप लोगों ने पीडी जीरो से कनेक्ट किया है इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों की फोर सेलेक्ट हैं इन सेलेक्ट को हम लोगों ने लाइन है पीसी वन पीसी थ्री एंड पीसी फोर से कनेक्ट किया है ठीक है बेसिकली आप लोगों ने जो यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट लाइन है इसको पी सी वन से सेकेंड को पी सी टू से थर्ड को पीसी थ्री और फोर्थ को पीसी फोर से कनेक्ट किया हुआ है और इसके बाद आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर से रन कर रहे हैं और इस ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो ट्वेल्व मेगा है ठीक है तो ये हम लोगों का सर्किट डायग्राम है अब इसके बाद देखिए हम लोगों का जो स्टॉप वॉच है वो एग्जैक्टली exactly काम करेगी कैसे देखिए हम लोगों को बहुत ही सिंपली यहां पर करना क्या है कि इनिशियली यहाँ पर जो आपकी डिस्प्लेज है इसमें जीरो 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 और जीरो डिस्प्ले होगा और इसके बाद हर एक सेकंड के बाद हम लोगों का यहाँ पर जो डिस्प्ले में वैल्यूज हैं वो एक से इंक्रीमेंट होनी चाहिए मतलब कि फर्स्ट सेकेंड के बाद हम लोगों के पास पर 0001 होना चाहिए फिर एक सेकेंड के बाद एंड सो ऑन आपके हाँ पर जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीमेंट होती हुई आपको नजर आनी चाहिए ठीक है तो ये हम लोगों का टास्क है अब इसकी प्रोग्रामिंग को हम लोग देख लेते हैं सो so, प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को अपना जो सीपीयू है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी होगी तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर हैश डिफाइन एफ अंडर सी पी यू ट्वेल्व मेगा हर्ड यहां पर लिख लिया है ठीक हाँ है, है और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एवीआर स्लैश आईओ डॉट एच नाम की जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड किया है और उसके बाद हम लोगों लोग डी ए डॉट एच नाम की हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर लिया है ठीक है और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो पोर्ट डी है इसको एस एस डी पोर्ट नाम दिया पोर्ट सी जो है उसको एस एल पोर्ट नाम दिया और इसके बाद पी सी वन को एस एल वन PC2 को SL2 और uh, PC3 को SL3 एंड uh, PC4 को SL4 नाम दे दिया इसके बाद देखिए यहां पर हम लोगों ने एक void डिस्प्ले नाम के फंक्शन को डिक्लेयर किया है और ये जो फंक्शन है बेसिकली इसमें हम लोग फोर आर्ग्यूमेंट्स को यूज करने वाले हैं जो कि अनसाइंड इंट टाइप के होंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं अनसाइंड इंट d1, d2, d3 और d4 चार हम लोगों के आर्ग्यूमेंट हैं ठीक है और इसके बाद हम लोगों ने देखे यहां पर एक एरे बनाया है अनसाइंड इंट टाइप का और इसका जो नाम है वो डिजिट रखा है और इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहां पर जो कॉमन कैथोड है उसके करस्पॉन्डिंग जो पैटर्न बनते हैं उनको स्टोर करने वाले हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे ये हम लोगों का जीरो एक्स एफ सी जो है वो जीरो का पैटर्न है फिर सिक्स जीरो जाए� जो है वन का पैटर्न है एंड सो ऑन जो एफ सिक्स है वो हम लोगों का नाइन का पैटर्न है और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री और डेटा फोर नाम से चार ग्लोबल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए हैं और अगर इनके टाइप की आप बात करें तो ये भी हम लोगों के अनसाइंड इंट टाइप के हैं ठीक है अब इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर है मेन फंक्शन ठीक है तो अब समझते हैं मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी डी आर डी इज इक्वल टू जीरो एक्स एफ एफ लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग जो भी यहां पर सेवन सेगमेंट में डेटा ट्रांसमिट करने वाले हैं वो पोर्ट डी के थ्रू करने वाले हैं इस वजह से आप लोगों को यहां पर जो पोर्ट डी है उसका आउटपुट डिफाइन करना होगा तो उस चीज के लिए हम लोगों ने यहां पर डी डी आर इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों की जो सेवन सेगमेंट की सेलेक्ट लाइंस हैं वो पीसी वन टू थ्री और फोर से कनेक्टेड है तो उसके करस्पोन्डिंग आप लोगों को इन पिंस को भी यहां पर आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर डी डी आर सी इज इक्वल टू जीरो बी जीरो जीरो वन 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 जीरो लिख लिया है और इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर वाइल वन लूप है या फिर आप कह सकते हैं ये हम लोगों का एक इनफाइनाइट लूप होगा ठीक है तो अब इस इनफाइनाइट लूप के अंदर क्या हो रहा है इस चीज को हम लोग समझते हैं सो so, लूप के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया है और यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियली हम लोग डेटा वन डेटा टू डेटा थ्री और डेटा फोर की वैल्यूज को यहां पर भेज रहे हैं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो डेटा वन टू थ्री फोर है ये हम लोगों का एक ग्लोबल वेरिएबल है और इनिशियली हम लोगों ने यहां पर इसको कोई भी वैल्यूज नहीं दी है तो ग्लोबल जो वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने अंदर जीरो वैल्यू को स्टोर करते हैं ठीक है तो आप यहां पर कह सकते हैं कि डेटा वन टू थ्री फोर चारों में ही आपकी यहां पर जीरो 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 वैल्यूज होंगी ठीक है तो ये वैल्यूज हम लोगों की यहां पर इस फंक्शन के अंदर पास हो रही है ठीक है तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वह एक्टली exactly काम क्या करने वाला है सो so, जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे वैसे ही हम लोगों का यहां पर जो कंट्रोल है इस फंक्शन के डेफिनेशन में चला जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों का इस फंक्शन का डेफिनेशन है ठीक है अब यहां पर देखिए हम लोगों के टोटल चार आर्ग्यूमेंट्स हैं ठीक है और हम लोगों ने इनिशियली यहां पर जो वैल्यूज पास की हैं डेटा वन टू थ्री और फोर की वो यहां पर डी वन डी डी और डी में आ जाएंगी ठीक है डेटा वन की वैल्यू डी वन में आएगी डेटा टू की डी टू में डेटा थ्री डी थ्री में और डेटा फोर की डी फोर में।, तो में आप कह सकते हैं कि जीरो और जीरो वैल्यूज आपकी आई होंगी ठीक है सो फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर अनसाइंड इंट्री टाइप के एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इनिशियली ये जो हम लोगों का वेरिएबल है इसको हम लोगों ने जीरो वैल्यू दी हुई है ठीक है और ये जो वेरिएबल है इसको बेसिकली हम लोग अपने लूप के साथ यूज करने वाले हैं सो so, यहां पर हम लोग बेसिकली फॉर लूप यूज करने वाले हैं और ये जो लूप है ये बेसिकली 250 टाइम्स चलने वाला है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने 250 टाइम्स के हिसाब से अपना जो लूप है वो लिखा है ठीक है अभी टू हम लोग क्यों ले रहे हैं इसको हम लोग आगे समझेंगे अब समझते हैं कि ये जो लूप है इसके अंदर हम एग्जेक्टली exactly करने क्या वाले हैं सो so, लूप के अंदर सबसे पहले हम लोग जो सेवन सेगमेंट वन है इसको एक्टिवेट कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों ने एस एल टू थ्री और फोर को वन वैल्यूज दी और एस एल वन में जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो होगी ठीक है तो हम लोगों का ये कॉमन कैथोड है तो जैसे आपके एस एल वन में वैल्यू जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का यहां पर ये फर्स्ट वाला जो सेवन सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद हम लोगों ने देखिए जो भी डी वन में यहां पर वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग डिजिट uh, नाम के एरे में जो भी पैटर्न बनेगा उस चीज को पोर्ट डी में दे दिया है या फिर आप कह सकते हैं जो भी यहां पर डी की वैल्यू है उसके करस्पोन्डिंग जो भी पैटर्न यहां पर बनता है उसको हम लोगों ने सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में ट्रांसमिट कर दिया है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं हम लोगों का जो डी है उसमें इनिशियली जो वैल्यू है वो जीरो है ठीक है तो यहां पर जो हम लोगों का डिजिट नाम का एरे है उसमें जो जीरो हम लोगों का एलिमेंट है या फिर आप कह सकते हैं जीरो का जो पैटर्न है उसको हम लोगों ने यहां पर ट्रांसमिट किया है तो यहां पर बेसिकली होगा क्या देखिए हम लोगों का जो फर्स्ट वाला यहां पर सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें जीरो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी इसके बाद हम लोगों ने यहां पर एक वन मिली सेकेंड का डिले दिया हुआ है और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहां पर अपने सेकेंड वाले सेवन सेगमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं इसके करस्पोंडिंग आप लोगों को एस एल वन एस एल थ्री और एस एल फोर में वन वैल्यूज देनी होंगी और एस एल टू में आप लोग यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं देंगे या फिर आप कह सकते हैं एस एल टू में आप लोगों ने जीरो दे दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो सेकंड वाला सेवन सेगमेंट है वो यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग यहां पर डी टू के करस्पॉन्डिंग जो भी पैटर्न बनेगा उसको यहां पर आ, पोर्ट डी में दे रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं सेवन सेगमेंट दे रहे हैं फिलहाल डी टू की वैल्यू यहां पर जीरो है तो जीरो ही आप लोगों को वहां पर भी डिस्प्ले होगी इसके बाद फिर से हम लोगों ने यहाँ पर वन मिली सेकेंड का ले दिया फिर इसके बाद आप लोगों ने यहां पर सेवन सेगमेंट जो थर्ड नंबर की है उसको एक्टिवेट किया जिसके लिए आप लोगों ने एस एल वन टू और फोर को वन किया फिर आप लोगों ने डी थ्री के करस्पॉन्डिंग जो भी पैटर्न बन रहा है उसको पोर्ट डी में दिया और इसके बाद फिर से आप लोग यहां पर एक डिले दे रहे हैं इसके बाद आप लोग यहां पर जो फोर्थ सेवन सेगमेंट है उसको एक्टिवेट करेंगे जिसके लिए आप लोगों ने एस एल फोर में जीरो बाकी एस एल वन टू थ्री में वन 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 वैल्यूज देनी होंगी और उसके बाद आप लोग डी फोर के करस्पॉन्डिंग जो भी पैटर्न हम लोगों का डिजिट नाम के एरे में होगा उसको पोर्ट डी में आप दे देंगे या फिर आप कह सकते हैं सेवन सेगमेंट में आप बेसिकली यहां पर जो भी पैटर्न होगा उसको पास करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर वन मिली सेकेंड का डिले हम दे देंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हम लोगों का यहां पर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं हम लोगों का यहां पर जो है टोटल फोर मिली सेकेंड का डिले जनरेट हो रहा है ठीक है बट हम लोग यहां पर क्या चाहते हैं कि जो यहां पर वैल्यू डिस्प्ले हो वो वन सेकेंड तक होती रहे ठीक है जो जीरो 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 है वो हम चाहते हैं कि वन सेकंड तक डिस्प्ले हो और उसके बाद फिर हम लोगों की एक सेकंड के बाद वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो ठीक है तो इसके लिए आप लोगों ने देखिए यहां पर क्या करना पड़ेगा देखिए एक बार जो लूप चल रहा है उसके लिए हम लोगों को फोर मिली सेकेंड मिल रहे हैं तो टोटल हम लोगों को यहां पर वन सेकंड का अगर डिले देना है या फिर आप कह सकते हैं वन थाउजेंड मिली सेकंड का डिले देना है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों को यहां पर ये यह जो लूप है टू फिफ्टी टाइम्स ही चलाना पड़ेगा टू फिफ्टी इंटू फोर मिली सेकंड अगर आप करते हैं तो आप लोगों को या पर वन सेकंड मिलेगा, मिलेगा ठीक है तो सिंपली आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम लोगों का ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है ये बेसिकली जो भी वैल्यूज डी फोर में आती है उनको वन सेकेंड के लिए हमारे सेवन सेगमेंट डिस्प्ले में ट्रांसमिट करता रहता है ठीक है तो अब देखिए जैसे हम लोगों का यहां पर वन सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा या फिर आप कह सकते हैं जैसे आप लोगों का यहां पर लूप टू फिफ्टी टाइम्स चल जाएगा वैसे ही हम लोगों का क्या होगा इसके बाद जो फंक्शन है वो यहां से रिटर्न करेगा अब रिटर्न करने के बाद हम लोगों का ये फिर से मेन के अंदर आएगा अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों को अपना जो डेटा है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करना होगा वन बाय वन ठीक है तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने यहां पर डेटा फोर जो है इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया तो यहां पर आप कह सकते हैं हम लोगों का जो डेटा फोर है इसमें वैल्यू वन हो गई अब इसके बाद देखिए हम लोग यहां पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर आपके डेटा फोर की वैल्यू ग्रेटर देन नाइन होती है तो हम लोग इसके अंदर कोई काम करने वाले हैं तो इनिशियली यहां पर यह कंडीशन तो हम लोगों की सही है नहीं क्योंकि डेटा फोर में वैल्यू वन है तो आप लोगों का क्या होगा ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है चलेगा ही नहीं ठीक है ये नहीं चलेगा तो फिर से अगेन आप लोगों का यहां पर जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है यह कॉल हो जाएगा अब यह फंक्शन जैसे ही कॉल होगा देखिए आप लोगों का d1, d2, d3 में 0, 0, 0 वैल्यू है और d4 में वन वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग अब हम लोगों का जो फंक्शन है वन सेकेंड तक आपका जीरो 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 जैसे ही आप लोगों का गुजर जाएगा अगेन हम लोगों का यहां पर जो डेटा फोर है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या फिर आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू अब टू हो जाएगी फिर से अगेन आप लोगों का यहां पर जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल होगा ठीक है और अब आपकी यहां पर वैल्यू जीरो 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 टू डिस्प्ले होगी ऐसा करते करते ये वैल्यू आपकी नाइन तक जाएगी अब नाइन के बाद आपका देखिए यहां पर डेटा फोर की जैसे ही वैल्यू यहां पर टेन हो जाएगी वैसे हम लोगों का ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी अब ये स्टेटमेंट सही होते ही हम लोग यहां पर डेटा फोर जो है उसकी वैल्यू को अगेन जीरो कर देंगे और डेटा थ्री की अब जो वैल्यू है वो ये वन हो जाएगी या फिर इंक्रीमेंट होगी तो जीरो से वन हो जाएगी ठीक है अब ये इंक्रीमेंट होगी इसके बाद देखिए हम लोगों का ये जो कंडीशन है अभी ये तो फुलफिल नहीं होगी क्योंकि फिलहाल डेटा थ्री में वैल्यू वन है ठीक है तो इसके बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पर ये यह जो है यहाँ से टूट के फिर से डिस्प्ले में आएगा ठीक है अब डिस्प्ले में देखिए हम हम लोगों का डेटा वन में वैल्यू जीरो है डेटा टू में वैल्यू जीरो है डेटा थ्री में वैल्यू वन है डेटा फोर में वैल्यू जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का यहां पर अब जीरो जीरो वन जीरो डिस्प्ले होगा ठीक है अब इसके बाद फिर से हम लोगों का ये जो फंक्शन है ये ब्रेक होगा उसके बाद अब देखिए हम लोगों का यहां पर डेटा फोर की वैल्यू फिर से जीरो हो चुकी है तो अब ये फिर से इंक्रीमेंट होगी ठीक है फिर से अब आपकी यहां पर डेटा फोर की वैल्यू वन होगी और डेटा थ्री की अब यहां पर वन ही रहेगी ठीक है फिर आपका ये वैल्यू वन होगी टू होगी थ्री होगी नाइन तक जाएगी या फिर आप कह सकते हैं आपका यहां पर इसके बाद आ, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ऐसे करते करते नाइनटीन तक यहाँ पर ये यह डिस्प्ले होगा उसके बाद जैसे आप लोगों का अगेन यहाँ पर ये यह वैल्यू टेन होती है तो फिर से हम लोग यहाँ पर जो डेटा थ्री है इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो अब आपका यहाँ पर यह वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी ठीक है तो अब डेटा थ्री में वैल्यू टू हो गई और फिर से अगेन आपका जो डेटा फोर है उसमें वैल्यू जीरो होगी तो नाइनटीन के बाद आप लोगों का यहाँ पर टू जीरो डिस्प्ले होगा ठीक है फिर से आप लोगों का यहाँ पर डेटा फोर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऐसे आपका डिस्प्ले होता रहेगा ऐसे ही ट्वेंटी नाइन तक चलेगा अगेन आपका यहां पर जैसे ही वैल्यू आपकी टेन होती है तो फिर से यहां पर डेटा थ्री की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ये चीज तब तक होगी जब तक आपकी यहां पर वैल्यू नाइनटी नाइन नहीं हो जाती या फिर आप कह सकते हैं जब तक आपके डेटा थ्री और डेटा फोर में वैल्यू नाइन नाइन नहीं हो जाती तब तक हम लोगों की यहां पर तक की कंडीशन चलेंगी अब इसके बाद जैसे ही हम लोगों के नाइन नाइन के बाद की कंडीशन आएंगी तो वैसे आप देखिए हम लोगों का ये वाली जो कंडीशन है ये भी सही हो जाएगी ठीक है आपके यहां पर डेटा थ्री की वैल्यू भी नाइन के बाद ऑफकोर्स टेन हो जाएगी तो इसके करस्पॉन्डिंग अब हम यहां पर क्या करेंगे डेटा थ्री की वैल्यू को भी आ, जीरो कर देंगे और डेटा टू की इसके बाद आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई वन ठीक है तो आप यहां पर कह सकते हैं नाइनटी नाइन के बाद आपका डेटा टू में जो है यहां पर वन जाएगा डेटा थ्री में और डेटा फोर में जीरो जीरो जाएगा या फिर आप कह सकते हैं आपको हंड्रेड वहां पर डिस्प्ले होता हुआ हो, नजर आएगा ठीक है अब यह कंडीशन आपकी कब तक चलेंगी जब तक हम लोगों का यहां पर सेवन सेगमेंट में वैल्यू नाइन 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 नहीं हो जाती है ठीक है अब जैसे ही वैल्यू आपकी नाइन 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 हो जाएगी वैसे हम लोगों का आप ये वाला चलेगा ठीक है अब आप यहां पर डेटा वन में जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है, स्टार्ट करेंगे ठीक है अब इसके बाद जब तक आप लोगों की यहां पर वैल्यू नाइन 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 नहीं हो जाती चारों में तब तक हम लोगों का यही चीजें रन होती रहेंगी अब जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर वैल्यू नाइन 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 से एक्सीड कर जाएगी वैसे ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे अपनी डेटा वन टू थ्री फोर जो है इनकी सबकी वैल्यू यहां पर रिसेट करके जीरो कर देंगे तो ये हम लोगों का सिंपल सा प्रोग्राम है इसमें बेसिकली हम लोगों का जो स्टॉप वॉच है वो अपनी वैल्यूज को सेकेंड्स में डिस्प्ले करेगा ठीक है हर एक सेकंड के बाद आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और ये वैल्यू आपकी नाइन 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 तक जाएंगे मतलब नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन सेकेंड्स तक को ये यहां पर इसमें काउंट कर सकता है ठीक है तो बहुत सिंपल सा ये हम लोगों का प्रोग्राम है थोड़ा सा ध्यान से इसको आप एक बार देख लीजिएगा डाउनलोड करके फिलहाल मैं इसको यहां से बिल्ड करके देख लेता हूं सो so, बिल्ट हो चुका है हम लोगों का प्रोग्राम नेक्स्ट इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर सिमुलेट करके देख लेंगे तो आप लोगों को यहां पर जो हेक्स फाइल है उसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद हम इसको यहां से प्ले कर लेंगे ठीक है तो देख सकते हैं आप लोग हम लोगों का हर एक सेकंड के बाद जो वैल्यूज हैं यहां पर वो चेंज हो रही हैं ठीक है ठीके? और ये जब आपका नाइन होगा उसके बाद आपका यहां पर ये यह वन और ये जीरो हो जाएगा फिर आपका यहां पर जो डेटा फोर है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ये तब तक इंक्रीमेंट होगी जब तक आपकी वैल्यू नाइन से ग्रेटर नहीं हो जाती अब जैसे ही आप लोगों के यहाँ पर नाइन से ग्रेटर होगी अब ये इंक्रीमेंट होगा ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर स्टॉप वॉच जो है वो वर्क करेगा ठीक है तो नेक्स्ट इसको हम लोग अपने हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके देख लेंगे सो so, हार्डवेयर को हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर चुके हैं ठीक है तो यहां से अब आप लोग आउटपुट देख सकते हैं अब हम लोगों की यहां पर जो वैल्यूज है स्टॉप वॉच की वो हर एक सेकेंड के बाद यहाँ पर चेंज हो रही है ठीक है तो अब अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहें तो उसके लिए हम लोग यहां पर अपने मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं ठीक है मोबाइल फोन का जो स्टॉप वॉच है इसको मैं यहां पर यूज करूंगा ठीक है तो अब इस चीज को हम लोग एक साथ रन करते हैं ठीक है तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर इसको रिसेट करना पड़ेगा अपने माइक्रो कंट्रोलर को ठीक है और साथ में ही हम इन दोनों बटन्स को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों की जो वैल्यूज है वो यहां पर एग्जैक्टली सेम टाइम में इंक्रीमेंट हो रही हैं ठीक है बट uh, uh, और ज्यादा अच्छे से इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं यहां पर इस वीडियो को फिलहाल पॉज करता हूं सो so, अब देखिए जैसे ही हम लोगों के यहां पर फाइव मिनट्स होंगे वैसे ही हम लोगों का यहां पर जो सेवन सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें वैल्यू थ्री हमको शो uh, होनी चाहिए ठीक है तो देखते हैं हम लोग तो देख सकते हैं आप लोग जैसे ही हम लोगों का फिफ्टी हुआ वैसे ही वैल्यू थ्री हंड्रेड हुई तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो स्टॉप वॉच है बिल्कुल सही से काम कर रहा है ठीक है बट यहां पर इस स्टॉप वॉच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स क्या है देखिए हम लोग इसको जब फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को यहां पर माइक्रो कंट्रोलर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कोई भी ऐसे कंडीशन लगाई नहीं है ठीक है तो आपको कंट्रोलर को रिसेट करके ही अपने ये जो सेवन सेगमेंट है या फिर स्टॉप वॉच है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर चाहें तो एक अलग से बटन यूज कर सकते हैं जिस बटन के थ्रू आप लोग अपने जो स्टॉप वॉच है इसको रिसेट कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए मैंने यहां पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है अब यह प्रोग्राम मैं आपको यहां पर फिलहाल समझाऊंगा नहीं ठीक है क्योंकि उसमें फिर काफी लंबी ये वीडियो हो जाएगी ठीक है ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को आ, मैं गूगल ड्राइव पे सेम इसी प्रोग्राम के साथ अटैच करके आपको आ, दे दूंगा ठीक है तो वहां पर जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके फिर ट्राई कर सकते हैं तो फिर से मुझे अब इस हार्डवेयर को प्रोग्राम करना है और इसमें जो बटन है उसको भी मैं यहां पर कनेक्ट करूंगा तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहां पर स्टॉप कर देता हूं सो so, प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियली हम लोगों को यहां पर डॉट 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 दिखा रहा है या फिर आप कह सकते हैं डैश 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 आपको दिखा रहा है और यहां पर हम लोगों ने एक बटन को कनेक्ट किया हुआ है पीबी जीरो से ठीक है अब जब तक इस बटन को हम लोग प्रेस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का यहां पर जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट नहीं होगा ठीक है तो जैसे ही हम लोग इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे वैसे ही आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की यहां पर जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी हैं या फिर आप कह सकते आपका जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो चुका है ठीक है अब ये हर एक सेकंड के बाद अपनी वैल्यूज को यहां पर इंक्रीमेंट करेगा ठीक है और अगर आप यहां पर इस स्टॉप वॉच को पॉज करना चाहते हैं तो अगेन आपको यहां पर इस बटन को प्रेस करना होगा ठीक है और जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका ये स्टॉप हो जाएगा ठीक है और इसके बाद अगेन अगर आप इसको रिसेट करना चाहते हैं तो आप फिर से इसी बटन को प्रेस करेंगे हम लोगों ने यहां पर फिलहाल सिर्फ एक ही बटन यूज किया है इसके अलावा और ज्यादा आप यहां पर फीचर्स एड करना चाहते हैं तो और बटन भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं ठीक है तो फिर से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका यहां पर ये जो है रिसेट हो जाएगा तो फिलहाल इसको हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं ओके तो ये हम लोगों के कुछ बेसिक प्रोग्राम्स थे स्टॉप वॉच से रिलेटेड अब यहां पर आप चाहें तो और भी काफी चीजें अपने आ, एंड से एडअप कर सकते हैं जैसे देखिए हम लोगों का फिलहाल यहां पर क्या है पूरा सेकेंड ही डिस्प्ले हो रहे हैं ठीक है अगर आप चाहें तो यहां पर ये यह कर सकते हैं कि जैसे आपका यहां पर 60 सेकेंड्स हो वैसे ही यह आपका यहां पर जो फर्स्ट और सेकेंड वाली सेगमेंट है यहां पर मिनट्स जो है वो शो हो ठीक है ये भी आप कर सकते हैं तो काफी चीजें हैं करने को यही है कि आपको थोड़ा सा अपने एंड से ही उन चीजों को प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा और यहां पर मैं आपको बता दू फिलहाल जो हम लोगों ने ये बटन कनेक्ट किया है ये एकदम मेन प्रोग्राम के अंदर ही लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर आपका क्या है थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा अब ज, इस चीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये जो बटन है इसको एक्सटर्नल जो इंटरप्ट होता है उसके थ्रू भी हैंडल करवा सकते हैं ठीक है सो आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सो so, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत